छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों ने कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद तीनों सीटों पर घर घर जाकर संपर्क किया है और लगातार सभाएं व बैठकें भी की है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दूसरे चरण की तीनों सीट भाजपा जीतेगी। इन सीटों पर हम लगातार जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थिति और भी अनुकूल है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र निकल कर बाहर आया है। देश के लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने की इनकी नीयत है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिमों को देने का हिडन एजेंडा चला रही है, जैसे इन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण किया है। जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। घर घर संपर्क किया और लगातार जो हमारी सभाएं बैठकें हुई है उससे बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है कि ये तीनों लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगातार हम इन सीटों पर जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थितियां और अनुकूल है तो निश्चित रूप से ये तीनों सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इन तीनों सीटों पर जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है। लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली